हेलो, मैं हूँ रश्मि और आप देख रहे हो मेरा ट्रैवल ब्लॉग। आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि किसी भी ट्रेन के फर्स्ट एसी में प्राइवेट रूम, जिसको कपल रूम भी कहते हैं, और रेलवे की भाषा में कूप बोलते हैं, कैसे बुक कराते हैं। आप किसी भी फर्स्ट एसी ट्रेन में कूप या कपल रूम बुक करा सकते हो, चाहे वो राजधानी हो, दुरंतो हो या कोई और ट्रेन हो। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरी वीडियोस को लाइक करें, ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही मजेदार और जानकारी भरी वीडियोस आपके लिए लाती रहूं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। कपल रूम या कूप बुक कराने से पहले मैं आपको इसका व्यू दिखा देती हूँ, ये कैसे दिखता है। राजधानी, दुरंतो या किसी और ट्रेन में कूप इस तरह ही दिखता है। कोरोना की वजह से इसकी खूबसूरती थोड़ी कम हो गई है। इसमें से कर्टन हटा दिए गए हैं, अभी बेडशीट, पिल्लो कुछ भी नहीं मिलता है। कूप बुक कराने से पहले आपको 5 चीजें जानना बहुत जरूरी है। पहला, रेलवे गारंटी नहीं देता है। अगर आपने कूप बुक कराया है तो फाइनली आपको कूप अलॉट ही हो जाएगा, तो इसलिए आप निश्चित ना हो कि आपने कूप रिजर्व कराया है तो आपको कूप अलॉट होगा। दूसरा, एक फर्स्ट एसी कोच में 2 ही कूप होते हैं। अगर आपके ट्रेन में 2 कोच होंगे तो ज्यादा से ज्यादा 4 कूप होंगे। कूप बुक कराते टाइम में आपको ये बातों की जरूर जानकारी होनी चाहिए। तीसरा, अगर आपने कूप कोई बुक कराया है किसी ट्रेन में और उस ट्रेन में कोई VIP ट्रैवल कर रहा है, तो आप फर्स्ट प्रेफरेंस VIP को दिया जाएगा। चौथा, अगर आप अकेले ट्रैवल कर रहे हो ट्रेन में तो आपको कूप नहीं दिया जाएगा। अगर आपके साथ 3 लोग और आप लोग 3 लोग भी ट्रैवल कर रहे हो, तभी भी आपको प्रेफरेंस नहीं मिलेगा। प्रेफरेंस मिलने के लिए आपको कपल में या 2 लोग ट्रैवल करना एक साथ जरूरी होता है। कूप हमेशा 2 लोग को ही अलॉट होता है। और पांचवा, सबसे इम्पोर्टेंट, आपको कूप कब कंफर्म सीट मिलेगा ये आपको नहीं पता चलेगा जब तक चार्ट प्रिपेयर ना हो, और चार्ट प्रिपेयर होता है 4 घंटे पहले। तो ट्रेन चलने से ठीक 4 घंटे पहले चार्ट प्रिपेयर में आपको पता चलेगा कि आपको कूप अलॉट हुआ कि नहीं। तो चलिए देखते हैं कूप कैसे बुक किया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग IRCTC वेबसाइट को ओपन करेंगे। तो ये मैं IRCTC वेबसाइट ओपन कर ली। अब मैं इसमें लिखूंगी कि मुझे कहां से कहां तक जाना है। तो मान लीजिए मैं इसमें फिल की, हावड़ा से मुझे दिल्ली तक जाना है, तो ये मैं फिल की। फिर मुझे लिखना है कौन से डेट पे जाना है, तो फिर मैं डेट मेंशन कर दिए। फिर हम सर्च करेंगे तो ढेर सारे ट्रेन का ऑप्शन आएगा। अगर हमें राजधानी से जाना है तो राजधानी सिलेक्ट कर लेंगे। उसमें देखेंगे कि फर्स्ट एसी में सीट अवेलेबल है कि नहीं है। तो यहाँ पे दिख रहा है हमें कि 9 सीट अवेलेबल है, तो हम इसे बुक कर लेंगे। आगे बढ़ेंगे तो एक प्रीव्यू आ जाएगा, उसमें एक डिटेल आएगा कि हम कहाँ से कहाँ तक बुक करा रहे हैं। जैसा कि इसमें आ रहा है कि हम हावड़ा से दिल्ली बुक करा रहे हैं 1 अगस्त को। अब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट इस वीडियो का है पैसेंजर का डिटेल भरना। नाम, उम्र और जेंडर भरने के बाद हम प्रेफरेंस पे ध्यान देंगे। ये सबसे इम्पोर्टेंट है इस पूरे वीडियो में। अगर आप कपल्स सफर कर रहे हो तो कूप का ऑप्शन क्लिक करो। अगर आप 4 ट्रैवल कर रहे हो तो कैबिन का ऑप्शन क्लिक करो। ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है इस वीडियो का। फिर आगे बढ़ने के बाद हमें एक प्रीव्यू आएगा।
उसमें फुल डिटेल होगा कि आप कहाँ से कहाँ ट्रैवल कर रहे हो, आपका नाम, उम्र और जेंडर होगा, और ये भी होगा कि आपने उसमें कूप का ऑप्शन सेलेक्ट किया है। फिर हम कंटिन्यू करते हैं तो पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा, और पेमेंट करने के बाद आपका टिकट कंफर्म हो जाएगा। लेकिन आपको कूप अलॉट हुआ है कि नहीं हुआ है ये ट्रेन चलने के ठीक 4 घंटे पहले ही पता चलेगा, वो भी चार्ट प्रिपरेशन के बाद। चार्ट प्रिपरेशन में ही आपको पता चलेगा कि आपको कूप कन्फर्म अलॉट हुआ है कि नहीं हुआ है। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।